नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडू इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे आपकी स्माइल 3 की वर्कशीट। दिनांक आप देखिए 2 सितंबर, कक्षा 8वीं, विषय आपका विज्ञान है। और दोस्तों, यहां पे आपको जो अध्याय है 3 है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सभी 6 प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप दोस्तों प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला आप देखिए कपास डैश रेशा होता है, तो दोस्तों इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका प्राकृतिक हो जाएगा। इसका सेकंड वाला देखिए कृत्रिम रेशो को दोस्तों यहाँ पे क्या क्या बोला जाता है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिए हैं, तो पहले में आएगा आपको संश्लेषित और दूसरे में आपका आएगा मानव निर्मित। इसका तीसरा आप देखिए पॉलीमर ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, एक तो आपका हो जाएगा पॉली और दूसरा हो जाएगा आपका मर। इसका दोस्तों यहाँ पर मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। ये दोस्तों आपके पहले प्रश्न के 3 उत्तर है, तो यहाँ से आप इसको लिख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप जो प्रश्न नंबर 2 है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, फिर आपको मैं आंसर इसका समझा दूंगा। यहाँ पे आप देखिए प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया है प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप तीसरा प्रश्न भी देख लीजिए, कृत्रिम रेशे यहाँ पे किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका प्रश्न नंबर 2 है और जो प्रश्न नंबर 3 है उसके यहाँ पे मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग जो प्राकृतिक रेशे, यानी कि जो आपका उत्तर नंबर 2 है वो इसका, यहाँ पे आप उत्तर देखिए, वे रेशे जो पौधे और जंतुए दोनों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जैसे ऊन कपास पटसन रेशम आदि। यानी कि दोस्तों जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं ना, जैसे हमें प्लांट से मिलते हैं एनिमल से मिलते हैं, उनको प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। तो ये आपका उत्तर नंबर 2 हो गया। इसका दोस्तों यहाँ पे उत्तर नंबर 3 देखिए, जिसमें आपसे पूछा गया था कि जो आपके कृत्रिम रेशे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए वे रेशे जो मानव द्वारा विभिन्न प्रकार से रसायनों से बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम रेशे कहते हैं, जैसे रेयन हो गया, डेक्रोन हो गया, नायलॉन हो गया। ये आपका उत्तर नंबर 3 हो गया। अगर आपको दोस्तों इसका PDF डाउनलोड करना है तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 देखते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे दोस्तों जो आपसे प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है बहुलक या फिर पॉलीमर किसे कहते हैं, और प्रश्न नंबर दोस्तों जो 5 है वो PET का आपसे पूरा नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले जो प्रश्न नंबर 4 है उसका उत्तर यहाँ पे आप देखिए, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे आप देखिए, बहुलक अंग्रेजी में जिसको दोस्तों यहाँ पे पॉलीमर ही कहा जाता है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली का अर्थ होता है अनेक तथा मर का अर्थ होता है भाग अथवा इकाई, अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी छोटी इकाइयों को दोहराने से बनता है। यानी कि दोस्तों छोटी छोटी इकाइयों को जब एक साथ यहाँ पर जोड़ दिया जाता है तो उसको यहाँ पर आपका पॉलीमर कहा जाता है। यह आपका उत्तर 4 हो गया। और उत्तर 5 में दोस्तों आपको PET का यहाँ पर पूरा नाम पूछा था, जो कि आपका होता है पॉली एथिलीन टर्थेलेट, ये आपका होता है, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको इसी तरीके से दोस्तों डेली स्माइल 3 की जो भी आपकी वर्कशीट होती है उसके सभी सही आंसर हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलते रहे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप 6वां जो कि आपका अंतिम प्रश्न है उसका यहाँ पे पहले प्रश्न देख लीजिए, फिर यहाँ पे दोस्तों मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप प्रश्न देखिए, संश्लेषित रेशो के 2 गुण और 2 दोष यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप इसका 6वां जो प्रश्न है इसका उत्तर देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप इसके गुण देख सकते हैं, शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं और कम महंगे होते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, तो आपको जो भी 2 लिखने हैं आप लिख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग इसकी कमियों की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए आग पकड़ लेते हैं, पसीना नहीं सोखते हैं, और इसके अलावा दोस्तों ये शरीर से चिपके रहते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके गुण हो गए और कमियां हो गई। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के बारे में दोस्तों अपने जो सुझाव है आप बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों 5000 से ज़्यादा बच्चे इसको देख लेते हैं लेकिन मुश्किल से दोस्तों 8-10 बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बताते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।